कहाँ जा रही तू, कहाँ जा रही तू मेरे? पंजाबन लग रही हो एक कुड़ी। मिली थी लेकिन मजा नहीं आया पीने में बिल्कुल भी। अभी पकड़ा गया। मम्मी का आजकल बहुत हो रहा है पकौड़ी भी। मम्मी मम्मी भाई ये कट नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं होगा। पकौड़ी भी खा रही। तो देखो उतरने की। अबे ये कैसे कूद मारती है पूरी। वामा क्या कर रही है? वामा सबको अपना मुंह दिखा दो, मुंह दिखा दो, वामा मुंह दिखा दो सबको अपना। कैसे बनाती है वामा मुंह? शोना इधर देख, मुंह बना के दिखा। अभी तो खा रही है, भूख लग रही है, पराठा इतना बड़ा खा लेगी। मुंह दिखा बना के। मामा आपका मुंह कहाँ है? बनाओ जल्दी मुंह। मामा मुंह मुंह बना दे। ओ आज तो ये लड़की कहाँ जा रही तू, कहाँ जा रही तू मेरे? आप करा ना पिटेगी। अब गाइस देखना है आएगी, गाइस अब देखना आएगी। रुको मामा। तो गाइज अभी हम लोग जो है हो चुके हैं रेडी। हम लोग जा रहे हैं पौंटा साहिब गुरुद्वारा। बच्चा काम कर होता रहा तो वो तो मेरे से थोड़ी चुप होगी। तो गाइज तो पीछे चल रहा है देखो चुप होने के कार्यक्रम। तो सब जा रहे थे, बड़े पापा नहीं जा रहे हैं। पहले जीजू भी थोड़ा सा कर रहे थे कि मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हम लोग उनको भी लेके जा रहे हैं। मेरा मन कैसा लग रहा है आप बताना? आप लग रही हो पंजाबन, पंजाबन लग रही हो एक कुड़ी। यार ना यार पंजाबन तो लग रही हूँ मैं। तो गाइज अब फाइनली हम लोग जो है निकल रहे हैं। टाइम हो रहा है 8 बज चुके हैं। तो हम लोगों का प्लान है कि रात को वहीं पे लंगर करके आएंगे, रात का प्रसादा लेके आएंगे। सरदारनी जा रही है हमारे साथ, पूरी सरदारनी। सोनी हाईलाइटर दिन में लगाते हैं, कोई बात नहीं, नहीं रात को भी लगाते हैं। तुम ऐसे क्यों कर रही हो? कोई बात नहीं, रात को ही लगाता हाईलाइटर क्योंकि चमकता है, ग्लो करता है लाइट। जैसे बट मैं लगाना भूल गई, मुझे बहुत ज्यादा। तो गाइज अब हम लोग पहुंच चुके हैं पौंटा साहिब गुरुद्वारा। मम्मी सजा किस लिए है? लेकिन अरे बैसाखी में। हाँ मैं भी ये सोची थी अप्रैल से सजा हुआ है। बैसाखी हाँ तो अप्रैल में थी शायद। चलो गाइस सीधा गुरुद्वारे के अंदर, क्या मस्त सजा है। पता नहीं वहाँ पे वीडियो बनाने देंगे या नहीं देंगे, जो भी है। क्या हुआ? गुरुद्वारा जी, गुरुद्वारा जितना भी दिखाने का पॉसिबल होगा दिखाएंगे। और मैंने भी सूट पहना है, सोनी ने भी। तो गाइज अब मम्मी और हम सारे जा रहे हैं लंगर हॉल में, और वामी वहाँ से आने का नाम नहीं ले रही। तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं घर, और गुरु दिखाएगा मेरा सूट का गेटअप। घर 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 घर। नीशु कहाँ जा रहे हैं हम अब? हैं भाई ये इतना प्यारा आ रहा ना, वाओ देखो इधर देख भाई, यहाँ पे फोटो खिंचवाओ ना, बहुत मस्त आ रहा बे, मेरे को लियो। Lovely.
भाई अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। आप कुछ बोलना चाहोगे भाई, कैसा लगा आपको खाना यहाँ का? खाना तो हमेशा अच्छा ही होता है। खाना नहीं प्रसाद है पहली बात, पहले आपने यहाँ आप चूक मार गए बिल्कुल ही, आपको इतना भी नहीं पता खाना प्रसाद। हाँ तो फिर ये प्रसाद था जो आपने खाया, खाना आपने पेट भर के खा लिया मेरे को पता, लेकिन आपको प्रसाद की तरह खाना था उससे ही पूछता हूँ। हाँ भाई तो आपको कैसा लगा यहाँ का खाना? तो ठीक ठाक चावल भाई, खाना नहीं पहली बात तो प्रसाद है ठीक है, आप यहीं चूक मार गए, प्रसाद है प्रसाद की तरह खाना था। आपने भले ही छह रोटी खाई वो अलग बात है, उसको मैं नहीं काउंट करूँगा। प्रसाद लेते हुए क्या बोल रहे थे? प्रसाद प्रसाद दजी भाई गुरु का और क्या बोल रहे भाई, तुम्हारी तरह नहीं है हम बिल्कुल पंजाबी ऑडियंस। लस्सी की वो बोल कर रहा था, तू क्या बकवास कर रहा था? ठीक है, अरे लस्सी मिली थी लेकिन मज़ा नहीं आया पीने में बिल्कुल। अभी पकड़ा गया भाई प्रसाद है क्या तेरे भाई ये प्रसाद को, अफसोस ये सीन कट हो जाएगा। नहीं नहीं क्यों कट नहीं रखते सब कुछ भाई, ये मस्त लग रहे पीछे दिखा दो तो। वो रहना मैंने पीछे दिखा देते आज कुछ खाया तो भाई आपको कैसा लगा यहाँ का खाना? अच्छा है, पहली बात तो खाना नहीं है लस्सी प्रसाद क्या रही लस्सी है वो देखिए वीडियो अभी देख क्या वाला चलो यार। तो मेरे बाल देख कैसे हो गए। तो गाइस अब हम कर रहे हैं चेक आउट और ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही भाई आज, क्यों बोल रहा था क्यों बोल रहा था? यो ब्रदर वी वेयर वी आर, कहाँ पे हम? होम टाउन। हम होम टाउन नहीं, हम अब फालूदा खाने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे। तो होम टाउन तो है भाई, तो होम टाउन क्या होता है? फालूदा खाने रुके हैं वो देखो बागड़ बिल्ला। हाँ सॉफ्टी सही है यार, सॉफ्टी दे देंगे। हे मामा क्या खाओगे, क्या खाओगे अब? क्यों क्या अच्छा? हाँ चलो भाई अभी देखते हैं, मैं भी सॉफ्टी खाऊंगा। उसमें मतलब ये कुछ वो था भाई जो हमारे स्कूल के समय में मिलती थी सॉफ्टी, उसमें कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ काफी सॉफ्टी खा रही ब्रेकिंग न्यूज़। हाँ यार भाई ये तो बहुत ही गलत चीज़ है भाई, बता डाइट ले लो ऐसा करते कैंडी को बुलाएं। अब कैंडी के लिए भी चलो, ये कह रहा था ठंडा ठंडा खाना, कुछ ठंडा तो खाएगी। क्या हो गया भाई साहब, इतने ध्यान से पढ़ाई कर ली होती ना तो आज पता नहीं हम कहाँ होते। इतनी गौर से देख रहा था उसे, देख इतनी गौर से। ओ हाँ आएगा आएगा, मैं वही कह रहा था एक और लेयर आएगी या नहीं आएगी, एक और लेयर आ चुकी है भाई। ये स्किल है उसको बोलते हैं 20 रुपये की स्किल डेवलपमेंट। हम वहाँ भी तो खाते थे बंदा जी, कौन था अंडे वाला बर्गर अंडे वाला कमीज कमीज तो पहनी है चौक भी भाई तगड़ा लग रहा वैसे अब, लेकिन दिख नहीं रहा कुछ। ओए 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 अंकल क्या हाल है? और अंकल कितना कमा लेते हो? अंकल क्या साढ़े तेरा घर जाएंगे आ रहे हैं। तो गाइस अभी वामी और मैं जा रहे थे बाहर और आजकल गांव में चल रही है लहसुन की, उखाड़ रहे हैं लहसुन और प्याज है ना मामा, कैसे उखाड़ रहे हैं? ये देखो इस साइड हो रहा है लहसुन सारा और मम्मी बड़ी मम्मी और पापा कर रहे हैं प्याज का कार्यक्रम। मामा कैसे कर रही है? चिची नहीं तो ये देखो मम्मी ये क्या है? हाँ वही तो, वो देखो प्याज हो रहा है और इधर क्या हो रहा है? इधर प्याज के पत्तों की कटाई और प्याज अलग हो रहा है। ये मामा को काम करना है बोलते
इसको देखो उतरने की। अभी ये कैसे कूद मारती है पूरी, जल रहे हैं ना पैर। ये देखो तो गाइस, ये देखो मम्मी और निकाल रहे हैं यहाँ पे प्याज। बच्चा सुना इधर देख, नहीं आज के लिए मुंह बनाती है कैसा देखो, पता नहीं क्या। मामा बोल, आ गई मैं।